मेरे को बोलने नहीं समझ। ठीक है, आपका इस एसपीएल में बहुत बहुत स्वागत रहेगा और हमारे कमेटी के सदस्य हैं आप, उनके हाथों से गुलदस्ता देकर आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों नवीद खान उनके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ग्राउंड हर एक राज्य में जाए और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ब्रांड है मेरे दोस्तों। सबसे पुराना ब्रांड युवा स्पोर्ट्स है, प्रवीण जी पवार साहब इनका है, जैसे कि गजानन स्पोर्ट्स भी है, भवानी स्पोर्ट्स है, फरीद स्पोर्ट्स है, डीएस स्पोर्ट्स है और ऐसे अनगिनत है, श्री साई स्पोर्ट्स है और सबसे छोटा सा अगर देखा जाए तो सरदार स्पोर्ट्स है, एसबी स्पोर्ट्स अब हाल ही में पावस में भी ओपन हो चुका है, सुमित बावकर हमारे अच्छे दोस्त उनका है। तो ऐसे अनगिनत जिसका किसी का नाम रहा तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपका भी स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा शॉप है। तो जितने भी नाम मुझे याद है मैंने आपको बताया, इन सभी के पास अक्षय स्पोर्ट्स है हमारे दोस्त उनका भी है। तो जितने भी है आपको नजदीक लगता है जो भी अच्छा लगता है उसके पास बिंदास जाइए। सिर्फ इतना ही है, जो क्वालिटी की आप बैट लेते हो, जो भी टी शर्ट लेते हो, परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से कीजिए ताकि आपकी टीम को उसका लाभ मिल सके। यही एक रोल है, टकाटक बीच मैदान में उतर कर जीरो पर आउट होना, आउट होना रन बनाना ये तो अलग बात है, लेकिन 10 में से कम 4-5 मुकाबले में उस बल्लेबाज को रन बनाने चाहिए। जो उम्मीद के साथ आपको टीम में लिया जाता है उस उम्मीद पर आपको खड़े उतरना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जितना अच्छा आप खेलोगे उतनी ही टीम आपकी आगे बढ़ती जाएगी। जो आउट ऑफ फॉर्म है उसको थोड़ा सा दिलासा दीजिए और अपनी टीम को आगे लेकर जाइए, यही मैं हर एक टीम के लिए कहना चाहूंगा। और मुझसे भी भली बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के फाइनल में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी के साथ यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, जिंदगी भी वैसी है और क्रिकेट का मैदान भी ऐसा है। अपने आप को साबित करने के लिए आपको पसीने से नहाना होगा और आपको पता ही है जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और इस क्रिकेट का इतिहास बदलने के लिए आपको इस सोमेश्वर प्रीमियर लीग में अच्छा खेल करना होगा, ये एकमात्र ऑप्शन आपके पास है। और तमाम दर्शक जो अब तक 43,000 के व्यू हमको मिले उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोनों टीमों के कप्तान प्लीज बीच मैदान में आइए। दोनों टीमों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया लीग में और सुपर 8 के इन मुकाबले में भी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वेलकम दूसरी टीम है इस समय ऑल राजूड़ा की टीम, सलाउल्ला गडकरी शायद कप्तान है, नहीं अय्यूब को इस समय कप्तान सीट दी गई है और वो वाइस कप्तान रहेंगे, देखना होगा उनका रोल किस तरीके से। रफ्तार का किंग के नाम से इनको जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रतियोगिता में गौरव सूद ने सबसे ज्यादा रन अब तक बनाए हैं 3 मुकाबले में, जोरदार तालियां उसके लिए भी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सबसे तेज गेंद अय्यूब भाई ने डाली है, तो ये मुकाबला अच्छा होगा। टॉस होता हुआ बीच मैदान में नवीद खान सर इनकी ओर से, और राजूड़ा ने यहां पर टॉस मांगा है और टॉस जाता हुआ, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, टॉस जीता है। गेंदबाजी या बल्लेबाजी? गेंदबाजी जरूर, उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेल करें। और दूसरी ओर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉस जीता है ऑल राजूड़ा टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो माइनस में होने के बावजूद भी इस ग्रुप में उन्होंने दूसरे पायदान पर अपनी जगह बना ली, इसका मतलब साफ है आज के जो सुपर 8 के मुकाबले हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले। दोस्तों आज के रात के सभी मुकाबले मिस ना कीजिए, आज आपको 2 मुकाबले ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें वॉल आउट, सुपर 6 और सुपर ओवर का करार देखने को मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की और आपको ही मजा आएगा, देखते रहिए सोमेश्वर प्रीमियर लीग का बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्त, बहुत ही अच्छा लगा मेरी आवाज यहाँ पर सुनने के स्टेडियम में।
और अच्छे मधुर साउंड भी आप हमें सुना रहे, तो आने वाले समय में बीच मैदान में रन तो जरूर बनेंगे, लेकिन आप अपने गानों के ऊपर इन दर्शकों को भी नचाने वाले, इसमें कोई दोहराव नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही हमारे साथ आज और कल बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपका ये साउंड सुनकर घर में भी लोग नाचेंगे। जी हाँ, थैंक यू डीजे। या आधी तुम्हाला नियमावली सांगितले, पहिला चेंडू टाकायच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा प्लेयर नाही आला तर संघाला पेनल्टी दिली जाईल। पुन्हा एकदा तुम्हाला सूचित केलं जातं आणि वळूया सामन्याच्या दिशेने। जर एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये नाही आला तर एका धावाच्या पेनल्टीसाठी तुम्हाला पात्र ठरावं लागेल। वेळोवेळी सांगितलं जातं, नियमांचं उल्लंघन करू नका, अन्यथा तुमच्या संघाचं खूप मोठं नुकसान होणार आहे। वळूया मैदानाच्या दिशेने। विनोद सर, आजच्या रजनीमध्ये सर्व सामने अट्टी तटीचे असतील यात काही शंका नाही आहे। एका बाजूला पाहायला गेलं तर दोस्ती 11 आणि दुसऱ्या बाजूला ऑल राजुडा हा संघ असेल। ऑल राजुडा टीम ने यहाँ पर टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोस्ती 11 उनकी बात की जाए तो जिन्होंने लीग में 3 के 3 मुकाबले जीतते हुए एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चलते बीच मैदान में, हमें आराम दे विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली ओवर की पहली गेंद जोर से खेला है, पहली गेंद का स्वागत किया है 6 रनों से। व्हाट अ शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है और इसी के लिए जाना जाता है इस बल्लेबाज को, प्रथम सूद मैन फ्रॉम राजापुर। क्या बल्लेबाजी की है और अपने आप पर काफी भरोसा, इस बार भी टैप किया है। जिस तरीके से टैप कर रहे हैं मानो कि सोच रहे होंगे खिलाड़ी क्या इनके लिए दूसरी गेंद तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। गेंद वही है मेरे दोस्तों, मेट्रो की गेंद इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उसको टैप करने के लिए जो ताकत लग रही है वो बीच मैदान में बयान कर रही है, चौके या छक्के। हमें किशोर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, लड्डू गेंद थी, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की इस समय अगली गेंद यानी कि चौथी गेंद करेंगे। रन संख्या रुकी हुई 6 रनों पर, देखना होगा किस तरीके से गेंद करते। अच्छी गेंद थी, वहां पर फील्डर थे जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया है, सुवन थे जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक छक्का जरूर लगा था पहली गेंद पर, उसके बाद जकड़ कर रखा है हमें, अच्छा कमबैक करते हुए उस समय। प्रथम सुब अगली गेंद को यहां पर खेलने के लिए सजते, टाइम लेग की दिशा में खेला गया है। और पिछले मैच की अगर बात की जाए तो अरबाज ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था और कहीं ना कहीं सोर को फिनिश किया था, और इस मैच का हाल सुना है तो इस मैच को पहले छक्के से स्टार्ट किया और डॉट गेंद से समाप्त होती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। नक्की सरकार जी एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते, पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला गेला, त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने कमबॅक केलं, सलग 4 चेंडू निर्धाव टाकण्याची किमया केली आणि थोडीशी धावसंख्येला लगाम लावण्यामध्ये यशस्वी झाला तो गोलंदाज अमे। आता मात्र गोलंदाजी मार्ग करता आहे तो सोहेल, त्याच्या समोर आहे तो गौरव, याच्या देखील गौरव आहे, सुहेम समोर आहे तो गौरव, हा देखील एक चांगला हलकेसे ढकला कवर आणि हॅलो हॅलो
जरूर। और इस समय क्या होता हुआ? हेलो जरूर, हेलो हेलो हेलो, सोहम गोलंदाजी मार्ग तैयार है। मात्र मोटा फलकी अपील पहाय मिलते पंचावर को असर होता दिसत नाही। पंच नाबाट लावतात फलंदाजाला। गौरव याला चांगले कमबॅक पाहायला मिळते सध्याजी या षटकामध्ये। काय गोलंदाजी आहे सोहमची, काय दर्जेदार स्विंग याची पाहायला मिळते। थोडस लगाम लावून मध्ये यशस्वी झालं होतं। पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता, परंतु तदनंतर मात्र धावगती थोडीशी मंदावलेली पाहायला मिळते। जरूर सुयम ने काफी प्रभावित किया। आप यहां से देख सकते हैं दोनों भी टर्न उन्होंने की एक ही टप्पे के ऊपर, यानी कि जो जर्सी के ऊपर उनका नंबर है एक, वो यहां पर बता देंगे मेरे जर्सी के ऊपर ये एक नंबर क्यों है, क्योंकि मैं अपनी टीम का एक नंबर गेंदबाज हूं। और इस समय दो रन जरूर बने। देखा जाओ तो गौरव सूद के बल्ले से दो रन बनते हुए रन संख्या बनी है डबल अंकों में 10 रन। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी सफलता करने वाली जोड़ी अभी अभी आउट हुई। आपने देखा प्रथम सूद जो कि रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, 53 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी उन्होंने की। और अब तक अगर देखा जाए तो गौरव सूद ने व्यक्तिगत सबसे ज्यादा रन इस प्रतियोगिता में बनाए हैं और अब तक डटे हुए खुद कप्तान भी है। ऐसी पारी की उम्मीद उनके सभी खिलाड़ियों को दर्शकों को रहेगी। और काफी दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर देखा जाए तो 380 दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े। उन तमाम दर्शकों का मैं सरदार से इस एसपीएल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या कहेंगे विनोद सर, जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है ऑल राजूड़ा टीम की, गेंदबाजी के लिए आते हुए अरबाज चांगली दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते। चांगलं कमबॅक होता दिसतं या संघाच। तुम्ही मगर सांगितल्याप्रमाणे या संघाला देखील सुपर एट लॉटरी लागल्यागत होतो। लॉटरी लागून देखील हा हरता हरता संघ जिंकून या ठिकाणी सुपर एट मध्ये दाखल झाला, परंतु या ठिकाणी मात्र चांगलं कमबॅक करताना दिसतो। सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळतो। दोघांचा ताळमेळ सर सध्याची चांगला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी एक धाव होऊ शकली। या एका धावेतील संघाची धावसंख्या 1 ने वर झाली, 1 गडी बाद 11। तो जरूर अब तक देखा जाए तो आपने पहले दिन से देखा होगा हर टीम ने टॉस जीते हुए पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और जैसा टारगेट रहेगा वैसे आप रन बनाएंगे और वही रन लेते अब तक रन लाई है। लेकिन इस समय हेलो 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 नक्कीच चांगला प्रयत्न असेल या ठिकाणी, परंतु गौरव अजूनही क्रीजवर आहे, त्यामुळे नक्की त्याच्या बॅटवरून अजून मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्याला माहिती आहे की संघाची थोडी पडझड आहे, मला थांबावं लागेल क्रीजवर, मला माझ्या बॅटमधून माझ्याकडे फटके मारण्याची ताकद आहे, परंतु थोडस या ठिकाणी थांबतोय। थोडं सावध खेळताना दिसतो या ठिकाणी गौरव। तिसरा षटक सुरू आहे, तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 11। जरूर हॅलो हॅलो जरूर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम आवेदनों के लिए जूझती हुई नजर आ रही है। अपनी फलक में यहां पर फील्ड कर लिया गया है और इस समय बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं ऑल राजूड़ा। भली बात ही जानते हैं कि यहां पर किस तरीके से रन रोके जाए, काफी उन्होंने पढ़ाई की होगी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। और इस समय अरबाज धीमी गेंद की जोर से खेला है, फील्डर ने यहां पर बड़ी आसानी के साथ रोका है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कमाल का प्रदर्शन होता हुआ देखा जाए तो इस समय अब दूसरी 11 की ओर से देखना होगा किस तरीके से आक्रमण किया जाएगा। और वही गौरव सूद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गैप निकालने में नाकामयाब रहे हैं। देखना होगा अरबाज सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए अब तक इस समय भी उठ गेंद रोकने का प्रयास किया लेकिन रोकने में नाकामयाब रहे। 6 रन बनते हुए
और इस छक्के की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 17 धावा धावफलका लगे विनोद सर का शेवटा पंचका मध्य धावा जमवल जी नक्की सरदार जी 25 धावा जर इनिंग मध्य मात्र सामन मधे कम बैक करू शको हा संघ दोस्तों 11 की या संघाकडे दर्जेदार गोलंदाजी आहे परंतु गोलंदाजांना दर्जेदार तेवढी 7 क्षेत्ररक्षकांची देखील आहे दोस्ती 11 संघाची त्यामुळे लीग मध्ये जर विचार केला तर या संघाने तिन्ही सामने जिंकले होते तिन्ही सामने जिंकून धावसंख्या आहे 17 एक गडी बाद 17 अजून शेवटच्या षटकी 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे 5 चेंडू मोठे फटके नक्कीच मारावे लागतील पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतं या ठिकाणी रनआउटच्या रूपामध्ये दुसरा झटका बसतोय दोस्ती 11 संघाला 17 धाव संख्येवर परंतु स्ट्राइक रोटेट का गेली सरदारजी की त्याला माहिती होतं की जरूर आपने बहुत अच्छी बात की स्ट्राइक अपने पास रखते हुए रन बनाने का प्रयास जरूर रहेगा गौरव सूद का इस समय काफी जोर से खेला था रन लेने का प्रयास करके जी हाँ और इस समय विकेट मिलेगा जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट मिलता हुआ क्या कहेंगे ठीक है प्रथम सूद और देखा जाए तो गौरव सूद वो दोनों भी खिलाड़ी रनआउट के रूप में आउट हुए हैं इसका मतलब साफ है कि ऑल राजौर टीम ने फील्डिंग का स्तर इस समय बढ़ाया है नक्की सरदार जी थोड़ी फिल्डिंग चांगली करना यशस्वी झालं तर राजवाडा संघ त्यांना माहिती आहे की मी झगडून या ठिकाणी आलो प्रयत्न करून आलोय त्यामुळे नक्कीच मला चांगलं प्रदर्शन या लीग मध्ये करावं लागेल मला सुपर फोर मध्ये मला स्थान निर्माण करायचं असेल तर मला चांगलं प्रदर्शन नक्कीच करावं लागेल कारण मागच्या सामन्याचा विचार केला तर मिरकरवाडा संघाने देखील चांगलं प्रदर्शन केलं होतं पण शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्यांना हार पत्करावी लागली होती या ठिकाणी माझा तिसरा झटका बसतोय रनआउटच्या रूपामध्ये या सामन्याचा विचार केला सरदार जी तर तीनही फलंदाज वक्रतुंड की ओर से खेलते हैं और इस समय देखना होगा किस तरीके से खेल करते हैं चार खिलाड़ी आउट है और चारों के चारों रनआउट के रूप में आउट होते हुए आपको नजर आए इस समय सीधे बल्ले से खेला और अमय ने गेंद को रोका कोई डंडे कोई नुकसान नहीं डांट गेंद आते हुए ऑल राजवाड़ा की टीम यहां पर कप्तान के भरोसे को पूरा करते हुए और खुद कप्तान इस समय गेंदबाजी करते हुए धीमी गेंद थी हल्के हाथों से गैप निकालने में कामयाब रहे जी हाँ इस चौके की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 21 रन और 22 रनों का पीछा करने के लिए ऑल राजौड़ा की टीम देखना होगा किस तरीके से प्रयास से करेगी क्या कहेंगे 20 गेंदे हैं और 22 रनों की जरूरत है नक्की सामना चांगला पाहायला मिळणार आहे सरदार जी या मी मगर तुम्हाला म्हटलं होतं या संघाकडे दर्जेदार गोलंदाज आहे दोस्ती 11 संघाकडे परंतु तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण देखील या संघाचं आहे त्यामुळे पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर या संघाने तीनही सामने जिंकून पहिल्या क्रमांकाचं स्थान या संघाने मिळवलं होतं परंतु या ठिकाणी थोडासा झगडताना दिसतो धावा करण्यासाठी परंतु ती कसर मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये नक्कीच हा संघ भरून काढेल आणि सामना रोमहर्षक पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा मी उम्मीद करेन की या सामन्यामध्ये आपल्याला टाय स्वरूपाचा सामना मिळतो पहिला टाय स्वरूपाचा सामना मिळतो प्रेक्षकाची देखील तीच अपेक्षा आहे या ठिकाणी आजच्या सामन्यामध्ये विचार केला आजच्या रजनीचा विचार केला तर प्रेक्षक थोडे हळू वाढताना दिसतात पहिल्या 2-3 दिवसांमध्ये या ठिकाणी प्रेक्षकांचा थोडा प्रतिसाद कमी होता परंतु या ठिकाणी मात्र समोरची गॅलरी बघितली तर पूर्ण प्रेक्षकाने खचाखच भरून गेलेला आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा मी रसिक प्रेक्षकांचं मनापासून या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो तुमच्या जीवावर तुमच्या पाठिंब्यावर या ही स्पर्धा यशस्वी आपण करत असतो त्यामुळे पुन्हा एकदा मी रसिक प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय नक्कीच धावा चेस करणं या स्पर्धेमध्ये कठीण कार्य राहिलंय तरी देखील प्रत्येक कर्णधाराने नाणेफेकीचा कौल जिंकत क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय तर गोलंदाजी तरी ऑल राजौड़ा संघाचे अप्रतिम झाले 22 धावा बनवायच्या आहेत
20 चेंडूंवरती या उद्देशाचा पाठलाग पाहूया कशा प्रकारे करतील। जय भैरी मुरुगवाड़ा एम आर स्पोर्ट दोनों संघांचे कॅप्टन विनंती असेल की आपण लगेचच तयार राहायचं आहे। हा सामना संपल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी नाणेफेक केली जाणार आहे। जय भैरी मुरुगवाड़ा विरुद्ध एम आर स्पोर्ट प्रिंट गलत हुआ है, एम आर ही लिखे लगे कैंसिल। पर है अमाइन नौस्टा खेल पर रहेगा और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए सोहम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इन्होंने भी की अपने टीम के लिए। 22 रनों का पीछा करने के लिए इस समय सनमुल्ला उर्फ डाऊ स्ट्राइकिंग गेंद पर है। देखना होगा दो रनों के लिए यहां पर निश्चित रूप से खेलेंगे और अपील तगड़ा है। देखना होगा ऑनलाइन मन से पूछना चाहेंगे डिसीजन पेंडिंग। पहली गेंद पर बहुत ही तगड़ा अपील। देखना होगा क्या निर्णय यहां पर दिया जाता है। और सनमुल्ला गडकरी एक ऐसे खिलाड़ी है मुझे मालूम है कि उन्होंने कई प्रतियोगिता में अंपायर के डिसीजन से पहले ही बाहर का रूख पकड़ लिया है। इस समय देखना होगा क्या होता है और यहां पर विकेट मिलेगा। शायद बल्ला जमीन पर था, टॉपेज लगा था, बॉक्स के बाहर गेंद चली गई थी और पहला झटका लगता हुआ इस समय ऑल राजूडा टीम को। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो बढ़िया गेंदबाजी रही लेकिन यहां पर क्या होता हुआ झटका लगा है। ये 440 वोल्टेज का झटका रहेगा क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। आज के सुपर 8 का पहला बड़ा मुकाबला यहां से दूसरा है। मेरे माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्टार्ट अब तक की है दोनों भी टीमों ने। अब तक अगर देखा जाए तो अरबाज स्टैकिंग इन पर है। बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी इस समय अगर देखा जाए तो दोस्ती 11 की ओर से भी होती हुई नजर आ रही। अमय और अरबाज के कंधों पर इस समय जिम्मेदारी रहेगी और इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से पूरा करना होगा। काफी खचा खच भरा हुआ सोमेश्वर प्रीमियर लीग का स्टेडियम और वो जानते हैं आज होने वाले हर एक मुकाबले में कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। उल्टा गेंद करारा स्ट्रोक, दो फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 56 व्हाट अ शॉट। नक्कीच आहे सर, चेंडूवर ब्रेक तो मिळाला होता पण त्यानंतर मात्र या ठिकाणी कम बॅक करताना दिसतोय तो ऑल राजूडा संघ। यस थँक्यू डीजे अरबाज। नक्कीच कर्णधार माघारी परतला होता, गोल्डन डकचा शिकार झाला होता, त्यानंतर मात्र या ठिकाणी कम बॅक करताना दिसतोय तो ऑल राजूडा संघ। आपण सेट चालू झाला और एक नया दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि
देखा जाए तो इससे पहले दोस्त इलेवन के चार खिलाड़ी रनआउट के रूप में डगआउट में गए थे। इस समय ऑल राजूड़ा के दो खिलाड़ी बॉक्स आउट के रूप में डगआउट में चले गए। ये नजारा कुछ बयान यहां पर करता हुआ। और एक तरफ सनाउल्लाह गडकरी पहली गेंद पर बॉक्स आउट हुए, उसके बाद अरबाज ने यहां पर चौका जरूर लगाया लेकिन रिवर्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में बॉक्स आउट होकर डगआउट में गए। यानी कि कुछ ना कुछ यहां पर जरूर दिखाते हुए अयूब आते हुए रन मशीन ऑल राजूड़ा की स्ट्राइकिंग गेंद पर है। और इस समय गेंदबाज के लिए फिर से एक बार रहेंगे सोहम। अच्छी गेंदबाजी, नफीतुरी गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। और इस समय चार रन मात्र खर्च किए हैं और दो विकेट अपने नाम किए हैं। और आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों 15 और जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत है। 15 चेंडू और विरोधस्तर 18 धावन की आवश्यकता है। रोम हर्षक स्थिति मध्य हा सामना येऊन थांबला आहे आणि प्रेक्षक देखील यूट्यूब वरची संख्या हळूहळू वाढवत आहेत। त्या आदरणीय सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा या एसपीएल च्या महासंग्रामामध्ये सरचं स्वागत आहे। आने वाली गेंद 15 रहेंगी और जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत है। यानी कि हर ओवर में आपको 6 रन किसी भी हाल में बनाने ही होंगे। नक्कीच सरदार जी, परंतु या ठिकाणी सामन्याचा विचार केला तर मात्र दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आहे। एक चौकार नक्की पाहायला मिळाला होता, त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक करताना दिसत होतो या ठिकाणी दोस्त इलेव्हन संघ। मी मगाच तुम्हाला म्हटलं होतं की या संघाकडे दर्जेदार क्षेत्ररक्षणाबरोबर दर्जेदार गोलंदाजी देखील आहे, त्यामुळे नक्कीच कमबॅक करण्यामध्ये हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल। जर सामना टाय झाला तर या ठिकाणी मात्र पहिला सुपर ओव्हर किंवा सुपर बॉल आउट किंवा सुपर सिक्स थरार आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। दोन्ही संघ तगडे आहेत, त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी सामना आज तो एक दो मुकाबले ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि देखिए पहली प्रीमियर लीग जो हुई थी उसमें काफी मुकाबले हुए और उसमें कुछ टीमें बाहर चली गई, वहां से बेस्ट 8 सुपर 8 आप देख रहे हैं। और यहां पर हर एक खिलाड़ी हर एक टीम बड़ी जबरदस्त तरीके से बनाकर यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथम सूद मैन फॉर्म राजा, फिर आराम देकर गेंदबाजी करेंगे। 15 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। मैच एक जबरदस्त मोड पर आने की आशंका है। लक्ष्य के थोड़ी सी बाहर इशारा आएगा यहां पर वाइड का। रन संख्या बढ़ेगी वाइड की बदौलत 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सनाउल्लाह गडकरी और देखा जाए तो अरबाज। इस समय क्या होता हुआ अमय के बल्ले से जरूर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला है। इस समय कट गया है दोनों के लिए गेंद जाती हुई। और नक्की फटका होता दोन धावा घेऊन गेला फटका, पुन्हा एकदा सेम प्रयत्न आहे या ठिकाणी। मात्र नक्कीच वेगळा विचार करावा लागेल क्षेत्ररक्षण लावण्याचा। आम्ही प्रथम स्टोच प्रयत्न या ठिकाणी करताना दिसतोय। साहेबचा फटका मात्र मास्टर आहे आम्ही, त्यामुळे त्याला माहिती आहे की त्यामुळे दोन धावा कडून या ठिकाणी मात्र कम बॅक करताना या चार धावांशी दोन चेंडू प्रत्येकी दोन दोन धावाप्रमाणे त्या धावा काढल्या त्याने आणि आपल्या संघाला पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केला या ठिकाणी। त्याने ओळखला होता इरादा या ठिकाणी रिव्हर्सचा फटका मारला आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी संघ कम बॅक करताना दिसतोय। या दोन धावांची संघाची धाव संख्या आहे। जय भैरी मुरुगवाडा एस आर स्पोर्ट आपण लगेच कॉम्पिटिटिव्ह पक्षी संपर्क साधायचा दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी। मात्र जरूर क्या सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अमय खेलते हुए। पहले शानदार गेंदबाजी उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी 70 रन बने हैं। और जीतने के लिए आने वाली गेंदे रहेगी यहां पर 10 गेंदे रहेगी और 5 रनों की जरूरत है हर गेंद पर। रन ने यहां पर बना लिया, क्या शानदार बल्लेबाजी। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा जय भैरी मुरुगवाड़ा और एस आर स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए कॉमेंट्री बॉक्स में आए, तुरंत इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। और बीच मैदान में लीग में हुए गलतियों को सुधारते हुए यहां पर अच्छा खेल करते हुए जिस टीम ने लीग में तीनों मुकाबले अपने नाम किए थे उस टीम के साथ यहां पर दमदार। नक्की सरदार जी या ठिकाणी मात्र थोडीशी झगडताना दिसते या ठिकाणी टीम दोस्त इलेव्हन। कमबॅक करावं लागेल सुपर फोर मध्ये स्थान निर्माण करायचं असेल तर नक्कीच कमबॅक करावं लागेल, परंतु थोडासा या ठिकाणी खेळ मंदवला दिसतो त्यांचा, त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी चांगला प्रयत्न करावा लागेल सुपर फोर मध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर।
दहा चेंडू आणि पाच धावांची गरज आहे। हे षटक निर्णायक असेल राजाजी, त्यामुळे नक्कीच या षटकामध्ये एका दुसरी विकेट जर घेतली तर मात्र या ठिकाणी कमबॅक करावा लागेल, कमबॅक नक्कीच करेल। या ठिकाणी उजव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, पंच आवांतर घोषित करतायत, दंडित केलं जातं। या ठिकाणी गोलंदाजाला उद्या धाव संख्या आहे 1-18। चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय, इला ओळखला होता, रिव्हर्स अटेंड करता, परंतु दर्जेदार गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळाले। चेंडू निर्धाव गेला, अजूनही चार धावांची गरज आहे सरदारजी सामना जिंकण्यासाठी। जरूर इस समय आयुष स्ट्राइकिंग एट पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए और नौ का इशारा आता हुआ, जले हुए पर नमक छिड़कने के बराबर ये रहेगा और सामने वाले बल्लेबाज या सिच्युएशनला सरदारजी चूक एक सुद्धा आपल्याला महागान करू शकते, त्यामुळे नक्कीच प्रयत्न करावा लागेल बोनस स्वरूपात धावा कमी न देण्याचा। तिसरा षटक आहे, अजूनही तीन धावांची गरज आहे। या ठिकाणी मात्र चेंडू या ठिकाणी रनवर चान्स होता, पंचांचा इशारा पाहायचा, परंतु दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी मात्र एक धाव पूर्ण करतात। एका धावाने संघाची धाव संख्या आहे 20, अजूनही दोन धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी। आम्ही चांगली फलंदाजी करतोय, मोठा फटका मारून सामना संपवण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु तसा प्रयत्न देखील तो करणार नाही, त्याला माहिती आहे की मी या ठिकाणी मात्र डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, पंच अवांतर घोषित करतायत। या षटकाचा विचार केला तर सरदारजी या षटकामध्ये चार जवळपास तीन धावा अवांतर स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळाल्या। जरूर, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो हमें बहुत ही दमदार पारी यहाँ पर सजाते हुए एक रन यहाँ पर पूरा कर लिया है और इसी के साथ ऑल राजूरा टीम ने पहली जीत दर्ज की है सुपर 8 में।